नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल SSI फर्नीचर डीरोना में। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में बताएंगे डोर क्लोजर किस प्रकार से लगाया जाता है। जैसा कि आप मेरे बैकग्राउंड देख सकते हैं, यहाँ पर हमने डोर क्लोजर लगा के रखा है। ये जो डोर क्लोजर है गोदरेज कंपनी का है और ये हमने किस प्रकार से लगाया है इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल के साथ एक एक स्टेप बारीकी से बताएंगे। आप इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। अगर आज से पहले आपने कभी भी डोर क्लोजर नहीं लगाया तो इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि आप एक ही बार में परफेक्ट तरीके से लगा पाओगे। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाली है। आप वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके ऑल पे सेट जरूर कर लीजिएगा। फर्नीचर से रिलेटेड और हार्डवेयर फिटिंग से रिलेटेड वीडियोज़ आपको हमारे चैनल पर रेगुलर मिलते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड देखिए, सबसे पहले हम ये हमारा डोर क्लोजर है इसको ओपन कर लेते हैं। आप देखिए यहाँ पे इसका लिखा हुआ है न्यू डोर क्लोजर और यहाँ पे इसका मॉडल नंबर है। तो इसको हम ओपन करके देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या मिलता है हमें। तो चलिए हम इसको खोल लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए, सबसे पहले इसका आपको ड्राइंग मिलता है पूरा। इस ड्राइंग को देख कर आप आराम से लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा डिटेल बताया हुआ है, जो यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों डोर का आपको यहाँ पर ड्राइंग बताया हुआ है। इसके हिसाब से भी आप लगा सकते हैं। और इसके साथ ये इसके ऊपर का रोड मिलता है आपको। और ये हमारा डोर क्लोजर है और इसके साथ ये इसकी कैप और स्क्रू भी आपको इसके साथ में मिल जाता है। तो इसको हम रख देते हैं अभी साइड में। चलिए हम आपको इसको लगा कर बताते हैं कि इसको किस प्रकार से लगाया जाता है। तो सबसे पहले हम इसका स्क्रू खोल लेते हैं। ये स्क्रू हो गया, ये कैप। ये ड्राइंग हम रख लेते हैं साइड में। तो ये सब हो गया। चलिए अब आपको इसको लगा के बताते हैं डोर में किस प्रकार से लगाया जाता है। तो फ्रेंड देखिए, ये जो हमारा डोर क्लोजर है इस तरह लगेगा। जैसा कि आप अगर आपको जैसा इंजन साइड होता है तो हमेशा जो आप देख सकते हैं यहाँ पे दो स्क्रू दिए हुए हैं, इसको जो स्पीड कम करने के लिए होता है। तो ये हमेशा इंजन साइड रहता है। अगर आपका डोर देखिए इस साइड अगर ओपन होता है तो इस साइड रहेगा, और अगर आपका डोर इस साइड ओपन होता है तो आप इसको इस प्रकार से घुमाकर भी लगा सकते हैं, दोनों साइड से लगा सकते हैं। तो जिस साइड में लगेगा वहाँ पे आपका रोड लग जाएगा और नीचे की साइड में जो हमें अभी मैंने आपको कैप दिखाई थी वो कैप लग जाएगी। तो चलिए हम पहले डोर पे निशान कर लेते हैं किस साइज़ पे लगेगा। तो फ्रेंड सबसे पहले आपको क्या करना है, ये देखिए आपका जो डोर का साइज़ है यहाँ से आपको निशान करना है 55 mm। अभी देखिए 55 mm यानी कि 2 इंच 1 सूत। देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पर आपको 55 mm पर निशान किया हमने यहाँ पर। तो 55 mm पे आपको निशान कर लेना है। अगर आप इंच में करना चाहो तो देख सकते हैं 2 इंच 1.5 सूत आ रहा है, तो 2 इंच 1.5 सूत पे आप निशान कर लेना है। और इस निशान को आपको क्या करना है, देखिए इस प्रकार से आपको गुनिया से निशान कर लेना है यहाँ पे। तो ये हमारा निशान हो गया, ये इस प्रकार से यहाँ पर लगेगा। और दूसरा जो हमारा लाइन आएगा वो आएगा, आप इसके साथ ऐसे ऐसा लगा सकते हैं या फिर जैसा कि आप इस प्रकार से नाप भी सकते हैं। जैसा कि अभी हमारा आया था 2 इंच 1.5 सूत, तो दो हमारा दूसरा लाइन आ रहा है वो आ रहा है 8 इंची 5 सूत पे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 8 इंची 5 सूत पे हम इस प्रकार से निशान कर लेते हैं। और इसको भी हम क्या करेंगे, इस प्रकार से गुनिया की सहायता से निशान कर लेंगे। और साथ ही साथ में आपका जो फ्रेम है फ्रेम के ऊपर भी निशान कर लेना है इस प्रकार से, क्योंकि जो ऊपर का अभी जो रोड लगेगा वो भी इसके हिसाब से लगेगा। और अब आपको क्या करना है, स्क्रू टाइट करना है, वो आपको करना है यहाँ से। देखिए यहाँ से आपको निशान करना है 5 सूत का, जो आपका डोर है यहाँ से आपको निशान करना है 5 सूत का। इस प्रकार से आप 5 सूत में निशान कर लीजिए। हो गया 5 सूत में निशान हो गया। अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा स्क्रू है वो टाइट कर लेंगे। तो चलिए हम स्क्रू टाइट कर लेते हैं। तो परिणाम देख सकते हैं यहाँ पे हम स्क्रू टाइट कर लेते हैं इसका। ये हमारा एक स्क्रू टाइट हो गया। इस प्रकार से हम यहाँ पे दूसरा भी कर लेते हैं। तो फ्रेंड दो स्क्रू हमने लगा लिया, अब दो हम और लगा लेते हैं एक बार। तो फ्रेंड हमने चारों स्क्रू में जो हमारा डोर क्लोजर है वो हमने टाइट कर लिया है। और अब हमें क्या करना है, जो हमारा ये रोड है ये इस प्रकार से देखिए इस प्रकार से यहाँ लगेगा। तो इसका जो स्क्रू है वो कहाँ पे आएगा वो मैं आपको बताता हूँ, उसका मार्किंग किस प्रकार से करना है।
तो उसके लिए आपको क्या करना है, देखिए हमारा जो ये स्क्रू था आप देख सकते हैं, ये जो स्क्रू था यहाँ से हमें 109 mm यहाँ पे निशान करना है। जो जैसा कि मैंने पहले बोला था कि गुनिया के साथ हम लंबा निशान करेंगे, तो यहाँ से हम 109 mm पे यानी कि 4.25 इंच पे इस प्रकार से निशान करेंगे। ये हमारा इस ये जो स्क्रू है इस स्क्रू से यहाँ से 4.25 इंच पे रहेगा, और ये जो स्क्रू है यहाँ से 2 इंच पे रहेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो हमारा स्क्रू है यहाँ से 2 इंच पे निशान कर लेते हैं इस प्रकार से। तो ये हमारा निशान हो गया, तीन इंच। सेम इसी प्रकार हम यहाँ पे निशान कर लेते हैं। ये देखिए ये हमारा स्क्रू हो गया टाइट, निशान हो गया यहाँ पे, एक निशान ये हो गया, दूसरा निशान ये हो गया। तो फ्रेंड यहाँ से जो हमने निशान किया था 4.25 इंच पे और यहाँ से 2 इंच पे, तो इस पर क्या करेंगे, जो ये आप देख सकते हैं इसमें 2 स्क्रू दिए हुए हैं, एक स्क्रू फिक्स वाला एक एडजस्टमेंट वाला। तो हम क्या करेंगे कि फिक्स वाला स्क्रू यहाँ पे टाइट करेंगे। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं एक स्क्रू टाइट हो गया हमारा, और अब हम क्या करेंगे सेम प्रोसेस में ये दूसरा स्क्रू भी इस प्रकार से टाइट कर लेंगे। तो फ्रेंड ये हमने टाइट कर दिया, अब हम क्या करते हैं यहाँ से देखिए इसका जो ये स्क्रू इसको हम इस प्रकार से खोल लेते हैं। ये हमने यहाँ से खोल लिया, इसको आप इस प्रकार से खोल लेते हैं, और ये जो एंगल है आपको क्या करना है इस प्रकार से इसके अंदर फिक्स कर देना है। ये देखिए ये हम इस प्रकार से फिक्स कर देंगे। इसके साथ में हमें ये ऑलरेडी देखिए ये स्क्रू मिला था, तो हम क्या करेंगे इसको इस प्रकार से टाइट कर देते हैं। आप चाहो तो इसको लगाने से पहले भी टाइट कर सकते हो। तो फ्रेंड ये स्क्रू हमने यहाँ पे टाइट कर लिया, अब हमें क्या करना है ये जो अभी स्क्रू हमने खोला था इसको हमें क्या करना है इस प्रकार से दबा के इसके अंदर फिक्स कर देना है। ये देखिए अगर आपका मान लीजिए आगे पीछे रहता है तो ये एडजस्टेबल होता है, देखिए इस प्रकार से ये एडजस्टेबल होता है, तो आप इसको एडजस्ट करके इस प्रकार से लगा दीजिए। देखिए ये देखिए ये हो गया, और अब आपको क्या करना है इसका जो स्क्रू था वो इस प्रकार से इसके अंदर टाइट कर देना वापस। तो फ्रेंड डोर क्लोजर हमारा लगकर तैयार है, एक बार हम चेक कर लेते हैं कि इसकी स्पीड बराबर है या कम बेसी है। तो इसको ओपन करते हैं डोर को, तो फ्रेंड इसकी स्पीड नॉर्मल से थोड़ी ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे इसको स्पीड को थोड़ा कम करेंगे। तो उसके लिए क्या करना है यहाँ पे देखिए स्क्रू दिया होता है माइनस का, तो उसको हम क्या करेंगे उसको थोड़ा घुमाएंगे जिससे कि इसकी स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी। ये देखिए एकदम प्रॉपर तरीके से ये बंद हो रहा है। तो फ्रेंड इस प्रकार से आप भी डोर क्लोजर आराम से लगा सकते हैं। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और इसी प्रकार के लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फर्नीचर से रिलेटेड और हार्डवेयर फिटिंग से रिलेटेड वीडियोस आपको हमारे चैनल पर रेगुलर मिलते रहते हैं। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद वंदे मातरम।